Hello learners, this is Alisha Mahajan from Mani Academy. Hope you are doing well. In the previous lecture video, we have talked about 2-3 types of pricing strategy. In this lecture video, we will be covering next part of the day. Okay? So this is our fourth strategy. This is going rate pricing. Going rate pricing ka kya matlab hai? Basically, dekho dhyan se. ये फुल कॉस्ट और कॉस्ट प्राइसिंग से बिल्कुल ऑपोजिट है, पहले ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब है मार्केट में जो रेट चल रहा है वही हम भी ले लेंगे, ठीक है। ज्यादातर ये तब यूज होता है ओलिगोपोली, ओलिगोपोली में होता है ना चार पांच लोग, और उसमें हम ओलिगोपोली में बात करते हैं कोल्यूसिव ओलिगोपोली। कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या कहती है कि सब मिल बैठकर प्राइस सेट करेंगे और एक ही रखेंगे, मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही हम सेट करते हैं इसमें। सो ओलिगोपोली इसमें बोल सकते हो, अगर कोई पूछे गोइंग रेट प्राइसिंग में क्या ओलिगोपोली यूज होता है, तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, ठीक है। और इसमें आप प्राइस लीडरशिप वाला भी बोल सकते हो, कोल्यूसिव वाला भी, प्राइस लीडरशिप वाला भी, क्योंकि वो दोनों सेम सेम होता है, लीडर ने जो प्राइस चूज करा हमने भी वही कर लेना। तो गोइंग रेट मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वही हम करेंगे, अपनी मर्जी नहीं चलाएंगे, ये होता है। तो आप लिख सकते हो ये ओलिगोपोली के कोल्यूसिव ओलिगोपोली एंड दूसरी प्राइस लीडरशिप वाली ओलिगोपोली, जो दो टाइप्स है ना वो, उसको ये रिप्रेजेंट करता है गोइंग रेट प्राइसिंग। नेक्स्ट पे चलते हैं कस्टमरी प्राइसिंग। कस्टमरी का क्या मतलब है कि हम इसको ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 है, 10 का 11 कर दो, 9 कर दो, इससे ऊपर नीचे नहीं करना, ज्यादातर ओल्ड प्राइसेस से ही हम लेते हैं, ठीक है। सो ज्यादातर मतलब इसको ओल्ड रहने देते, जैसे कुरकुरे का प्राइस 10 है, कितनी देर से 10 है ना, सो ये ज्यादातर ओल्ड प्राइस के साथ ही रहते हैं, ज्यादा कंसिडरेशन, ज्यादा चेंजेस उसमें नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये कस्टमरी प्राइसिंग होती है, लिख लीजिए इसे, कस्टमरी प्राइसिंग का क्या मतलब होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नया स्कूटर आता है या नई एक्टिवा वो लाते, ज्यादातर प्राइसिंग उनकी उसी बीच में होती है ना, चलो 60,000 के आसपास हम रखे, 2-3 हज़ार ऊपर नीचे कर दो, लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है। सो ज्यादातर ये ओल्ड प्राइसेस को ही कंसीडर करके बनाए जाते हैं, इसको याद रख लीजिए। उसके बाद आता है सील्ड बिड प्राइसिंग। अब सील्ड बिड प्राइसिंग क्या होता है, बहुत पॉपुलर है कंस्ट्रक्शन वर्क में। अब इसको समझाते हैं, इसमें क्या किया जाता है। बेसिकली जो बायर्स होते हैं ना, या फिर सेलर्स जो भी है, उनको क्या बोला जाता है, कोट कर दो प्राइस, अपना कोट कर दो प्राइस, और उसे ना सील कर दो, मतलब इट इज लाइक पॉलिथिन नहीं, एक होता ना जिसमें शगुन पड़ता है, वैसा वो उनको दे दिया, ठीक है। और उनको लिख दिया कि अपनी अपनी जो आपकी बिड है ना, बिड बोले तो मतलब आप ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क है जितने में करना चाहते हो वो लिख दो और उसको सील कर दो, ठीक है। फिर सारे ऑफर्स को ना, कब ये करा जाता है, एक दिन डिसाइड कर लिया जाता है और सबको बुलाया जाता है इकट्ठे, प्री अनाउंसमेंट हो जाती है पहले कि इस दिन सभी ना यहाँ पर मिलेंगे। फिर सभी आ जाते हैं, सारे बिडर्स जो होते हैं जिन्होंने अपनी अपनी बिडिंग लगाई होती है, सारे बिडर्स को बुला लिया जाते हैं, ठीक है। सो बायर के केस में अगर, तो ये सील बिड प्राइसिंग बायर के केस में हो रही है, तो हाईएस्ट प्राइस अगर, ठीक है, और सेलर के केस में अगर सेलर है मतलब बेचने वाला, उस केस में बिडिंग है तो वो लोएस्ट रखेगा। मतलब अगर समझो मैंने अपना कोई सामान बेचना है, मैं एक सेलर हूं, तो जो सबसे कम बिडिंग रखेगा उसको एक टास्क मिल जाएगा। अगर कोई बायर है, बायर बोले तो खरीदने वाला, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुछ चाहिए, तो मैं वो जैसे वो ओम जय जगदीश वाले में वो बायर थे ना जो हाईएस्ट बिड करता था उसको दे देते थे। मतलब जब आपने सील बिड प्राइसिंग की बात करनी है ना, तो सिर्फ बायर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, सेलर के पर्सपेक्टिव से भी देखना कि अगर फॉर एग्जांपल सरकार ने बोला है कि कौन ये रोड का या कौन ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। कुछ सोचो सरकार क्या हो गया, सरकार ने बोला है कौन सा सेलर ये कंस्ट्रक्शन करेगा, तो सरकार तो उसी को लेगी ना जो सस्ता भी करके दे और अच्छा भी करके दे। सेलर के केस में हम लोएस्ट बिड को चूज करते हैं,
और बायर के केस में हम हाईएस्ट बिड को चूज करते हैं, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर चीज से हम सील बिड प्राइसिंग को यूज करते हैं ज्यादातर। ये आपने सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ओम जय जगदीश वाला नहीं, क्योंकि उन्होंने खरीदना था तो सबसे महंगी बोली जो लगाएगा वही होगा, लेकिन ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सील बिड प्राइसिंग। इसके बाद आता है प्रोडक्ट टेलरिंग। अब प्रोडक्ट टेलरिंग का क्या मतलब है इसको समझे। प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ना बहुत सुंदर सा सूट बनवाना है, इट मीन्स मेरे को प्राइस भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। किसी ने सिंपल सा सूट सिलवाना है वो सिंपल प्राइस पे करेगा। इट मीन्स प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब है जो जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट बढ़ी जाएगी। मतलब ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है आपको, आपकी कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी। आपको सस्ते में काम करवाना वो भी करवा सकते हो। सो टेलरिंग का मतलब जैसे हम सूट का करते हैं वैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट का। अगर आपको समझो कार्ड बहुत सुंदर चाहिए तो आप कार्ड वाले को कहोगे मुझे ये भी डाल के दो, मेरे को ये बीड्स भी डालने हैं कार्ड्स में, ये भी करना है, तो आप ज्यादा प्राइस पे करोगे। किसी को कहना नहीं यार मेरा बजट इतना नहीं है मैं सिंपल सा करूंगा, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट टेलर करा जाता है। मतलब कस्टमाइजेशन, कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग लेके आ जाता है। सो इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट टेलरिंग मेथड। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम और मेथड्स की बात करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।